गुरु का आश्रम कितना बड़ा है इन बातों का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य होता है गुरु के ज्ञान का और गुरु के आचरण का। सही ज्ञान और सही आचरण से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जीवन में जब तक अपने आप पर संयम नहीं होगा, साधना नहीं होगी, स्वावलंबन नहीं होगा और आत्मज्ञान आत्मचित्ति नहीं होगी, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु वह है जिसका ज्ञान और आचरण दोनों सही हो, ज्ञान के नाम पर भटकाव ना हो और आचरण में कोई शिथिलता ना हो। जो अपनी साधु रहनी संत रहनी है, साधु की जो मर्यादा है उसके भीतर ही जो पूर्ण संयम के साथ जीता है, वही आगे चल करके दूसरों को भी उस रहनी में चलने की प्रेरणा दे सकता है। कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, एक मर्यादा की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है। नियम और मर्यादा का उल्लंघन करके आदमी न तो व्यवहारिक जीवन में सुखी रह सकता है और न उसकी इज्जत रह सकती है और न ही वह आत्म कल्याण का काम कर सकता है। हर जगह, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे गृहस्थी जीवन हो, चाहे व्यक्ति जीवन हो, मर्यादा की, नियम की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो मर्यादा विहीन काम करते हैं, नियम विरुद्ध काम करते हैं, उनका अपना पतन तो होता ही है। वे समाज में गलत आदर्श स्थापित करते हैं और उनके कारण साधु समाज से, धर्म से, अध्यात्म से लोगों की श्रद्धा घट जाती है। इसलिए जो साधु मार्ग में चलने वाले हैं, चाहे वे नर हो चाहे नारी, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा होती है, क्योंकि साधु समाज के आदर्श माने जाते हैं, रास्ता दिखाने वाले माने जाते हैं। और वे ही भूले हुए हों, वे ही भटके हुए हों, तो रास्ता क्या बताएंगे, आदर्श कहां से मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को एक नियम की जरूरत होती है। पूरे प्रत्यक्ष सुन भी रहे थे, जो अपने मनमानी पन का विश्वास करता है उसका निवास नरक में होता है और उसे नरक में ही जाना होता है। नरक क्या है? पतन। नरक है चित्त का सदैव जलते रहना, अशांत बने रहना, यही नरक है। और यदि हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, नियम में रहते हैं, आचरण हमारा सही है, तो हम कहीं भी रहे हमारे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो नियम और मर्यादा की आवश्यकता हर जगह है। यदि हमने नियम का, मर्यादा का, एक कानून का उल्लंघन किया तो हमारा पतन, रखा रखाया में दुख मिलना ही मिलना है। इस पर एक उदाहरण याद आता है कि नियम का, मर्यादा का उल्लंघन करने से आदमी कैसे विपत्ति में पड़ जाता, कैसे पतन होता है। रामायण की कहानी से आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। कहते हैं रावण को जब सीता का हरण करना हुआ, उन्होंने मारिस को कहा कि तुम स्वर्ण मृग बनो, और स्वर्ण मृग बन करके राम सीता को छलो। तो रावण के कहना अनुसार मारिस स्वर्ण मृग बन करके आया, उसको देख करके सीता मोहित हो गई। उन्होंने राम से कहा, चाहे जीते हो चाहे मरते हो, इसे मेरे लिए लाओ। लक्ष्मण ने रोका, भैया सोने का मृग नहीं होता। फिर भी राम कहे कि नहीं, सीता चाहती है इसलिए मैं जाता हूँ। चले गए राम। अब मारिस को तो छल करना था दोनों के साथ। कुछ दौड़ाते हुए राम को ले गए और जब राम ने बाण मारा तो मारिस ने राम की आवाज में कहा, हा लक्ष्मण, हा सीता। उसकी आवाज लक्ष्मण और सीता तक पहुंची तो सीता ने कहा, लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भाई पर विपत्ति आ गई है, तुम्हें बहुत दुखपूर्ण आवाज में पुकार रहे हैं, तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा, भाभी
भैया पर तो विपत्ति नहीं आ सकती। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो भैया को हरा सके। और फिर भैया ने मुझे आपके पास होना है, आप जिम्मेदारी दी है, कहा कि मैं आपकी रक्षा करते रहो, आप सुनकर कैसे जाओ। लक्ष्मण की बात को सुनकर सीता बहुत क्रुद्ध हो जाती है और बहुत गंदे गंदे शब्द लक्ष्मण को कहती है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है। यहां तक कहती है सीता लक्ष्मण से कि तुम मुझे हड़पने के लिए ही यहां तक आए हुए, तुम भरत के भेजे हुए भेदिया हो, तुम चाहते हो कि राम की मृत्यु हो जाए और मुझे अपनी पत्नी बना लो। यहां तक लांछन लगाती है सीता लक्ष्मण पर। उनकी बात को सुनकर लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं भाभी तुमने नहीं कहने योग्य बात कही है, लेकिन अब मजबूरी बस मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन मैं जा रहा हूं। भैया कोई बात अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन जाता तो हूं, एक काम कर देता हूं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं और कहा कि इस रेखा के भीतर जब तक तुम रहोगी तब तक तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, और रेखा के बाहर जैसे आओगी तुम्हारा बचाने वाला दूसरा हो मिलेगा भी नहीं, जैसे बाहर आएगी तुम विपत्ति में पड़ोगे, इसलिए रेखा के भीतर ही रहना। लक्ष्मण चले गए। जैसे लक्ष्मण गए वैसे ही रावण साधु का वेश बना करके आ गया। साधु वेश में ठगना अच्छा थोड़ा सुविधाजनक होता है ना, कहीं भी ठग साधु वेश बन करके मीठी मीठी बात करके साधु बहुत लोग ठगाते हैं, इसलिए साधुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया कि जिनका आचरण सही हो जिनका ज्ञान सही हो वही साधु है वही गुरु है। तो लक्ष्मण साधु वेश बना करके आ गया और लक्ष्मण ने रावण साधु वेश बना करके आ गया और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। सीता ने भिक्षा देनी चाहिए, रावण ने कहा कि मैं बंधे भिक्षा नहीं लूंगा। भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा के भीतर आओ। देखे रावण रेखा के भीतर घुस करके सीता का हरण नहीं कर सकता है। रेखा के भीतर कहानी के अनुसार रेखा के भीतर घुसने की रावण की हिम्मत नहीं, वो रेखा के भीतर घुस करके सीता का हरण नहीं कर सकता। अब रेखा से बाहर आना या ना आना सीता की मर्जी है, चाहे तो आए चाहे तो ना आए, रावण जबरदस्ती नहीं कर सकता। विपत्ति आती है ना तो आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। रावण ने कहा कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, भिक्षा देना तो रेखा के भीतर आओ। सीता बात में आ गई और रेखा को उल्लंघन करती है, रेखा के बाहर आती है, फल क्या होता है, रावण हरण कर लेता है और लंका में ले जा करके अपनी भूमिका में कैद करके रखता है। एक मर्यादा में जब तक थी वो लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा है, जब तक सीता उस मर्यादा के भीतर थी कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, रावण हरण नहीं कर सकता था। अब जैसे ही रेखा को उल्लंघन किया रावण संगुल में पड़ गए। इसी प्रकार हमारी भी एक लक्ष्मण रेखा है, हमारी भी एक मर्यादा है। आप चाहे परिवार में रहे आपके परिवार की मर्यादा है, हम समाज में रहते हैं हम समाज की मर्यादा है, समाज की एक रहते हैं समाज की मर्यादा, समाज की जो नियम है कानून है, देश घर परिवार का जो नियम है कानून है उसके भीतर उस मर्यादा के भीतर हम जब तक रहते हैं हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा बिगाड़ नहीं हो सकता, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमने पारिवारिक नियम का पारिवारिक मर्यादा का सामाजिक मर्यादा का साधु मर्यादा को उल्लंघन किया हमें बचाने वाला दूसरा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि रेखा का उल्लंघन हमने स्वयं ही किया है। इसलिए चाहे कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबको अपनी अपनी मर्यादा में जहां वे रहते हैं परिवार में समाज में साधु आश्रम में उस नियम और मर्यादा के भीतर रहने की आवश्यकता है। और जो नियम मर्यादा को उल्लंघन करता रहता है वो साधु कहता, जो नियम से नहीं चल सकता मर्यादा से नहीं रह सकता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता वो साधु नहीं हो सकता है, और साधु ही नहीं हो सकता तो गुरु कैसे बन सकता है। जो अपने आप पर पूर्ण रूप से संयम रख सकता है, जो नियम बराबर जीवन पर्यंत नियम और आचरण से चलता है वही अपनी साधना में आगे बढ़ता है
और वही व्यक्ति आगे चल करके दूसरों के गुरु बनने का योग्य होता है। और ऐसे जो गुरु हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी साधना में कस लिया है, जिन्होंने अपने आप पर पूर्ण रूप से संयम कर लिया है, ऐसे गुरु के वचनों को मानने में हमारा हर प्रकार का कल्याण है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतो। हे संतो, सतगुरु के वचनों को सुनो। सतगुरु के वचनों के अतिरिक्त कल्याण का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। सतगुरु के वचन का अर्थ है निर्णय पूर्वक वचन, बोधपूर्ण वचन, जिसमें कोई भ्रांति नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार नहीं है, जो पूरा का पूरा आत्मज्ञान से भरा हुआ है, ऐसे वचन को ही सुनना सुनने से हमारा कल्याण हो सकता है। संसार में आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास वाणी की शक्ति है। आदमी को छोड़कर किसी अन्य प्राणी के पास वाणी की शक्ति नहीं। अपने मन के भावों को आदमी अपनी वाणी के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के मन के भावों को उनकी वाणी के द्वारा समझ सकता है। लेकिन वाणी का जितना दुरुपयोग दुनिया में चल रहा है और उससे आदमी इतना अशांत, इतना पीड़ित है कि क्या पूछा जाए। उचित समय पर उचित ढंग से उचित बात कहने वाले लोग कितने हैं। आदमी तो बिना सोचे विचारे बात बोलता ही चला जाता है और बिना सोचे विचारे बात का परिणाम गलत होना ही होना है। बिना विचारे बोलकर, बिना विचारे खाकर और बिना विचारे काम करके आदमी को केवल पश्चाताप करना होता है। इसलिए बोलने के पहले विचार करें, खाने के पहले विचार करें और काम करने के पहले विचार करें। जो आदमी हर जगह विचार पूर्वक काम करता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है और वह उसे कभी दुख मिलता ही नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा है, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करोगे तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। हम विचार नहीं करते, इसीलिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जिसके परिणाम में हमें केवल पश्चाताप होता है। पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? पश्चाताप का अर्थ होता है पश्चाताप। पश्चाताप अर्थात पश्चाताप, किसी काम को करने के बाद, किसी बात को बोलने के बाद मन में जो दुख होता है उसी को कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप काम करने के पश्चात जो ताप हो रहा है, काम बात बोलने के पश्चात जो ताप हो रहा है वह पश्चाताप है। और क्यों होता है? काम करने के बाद, बात बोलने के बाद ताप मन में क्यों होता है? विचार न करने के कारण। पहले विचार कर लिए होते तो गलत काम क्यों होता? पहले बात बोल लिए होते तो गलत बात जवान से क्यों निकलती? इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति ने आदमी को दो आंखें दी है और दो कान दी है, लेकिन जबान एक दी है। इसका अर्थ क्या है? चार बातें देख सुन करके एक बात बोलो। और जब चार बातें देख सुन करके एक बात बोली जाएगी तो वह बात विचार पूर्वक होगी और ऐसी बात अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए मंगलकर ही होगी। तो सद्गुरु की बात, सद्गुरु के वचन कल्याणकर होते हैं क्योंकि उनके वचन विचार पूर्वक होते हैं। वे कोई निरर्थक बात नहीं कहते, ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे दूसरे के दिल में खेद पहुंचे,
दूसरे के अपमान दूसरे का अपमान हो किंतु उनकी हर बात सार गर्भित होती है, निर्णय युक्त होती है, कल्याण युक्त होती है। इसलिए सदगुरु की बात को ही मानना चाहिए। सदगुरु कबीर ने ज्ञान चौथा प्रकरण में भी कहा है गक्षर को माध्यम बना करके कि गगा गुरु के वचन ही मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान, केवल गुरु के वचनों को ही मानो और गुरु के वचनों को छोड़ करके अन्य जो शब्द हैं उनको मत मानो। गुरु के वचन को निर्णय युक्त वचन, न्याय युक्त वचन, ये गुरु के वचन है। अब कोई कह रहा सही बात यदि बालक के मुख से भी निकलती है तो वह गुरु वाली है, कहीं भी लिखी हो, दीवार पर भी लिखी हुई हो सही बात तो वो गुरु वाली। कई बार कहीं कहीं कोई बात ऐसी लिखी हुई होती है, मिलती है कि दिल को एकदम छू जाती है, और वो बात चाहे कहीं लिखी हो, लिखा हुआ ऐसा बात वो वेद वाक्य से कम नहीं होता। एक बार हम लोग गुरु जी के साथ भारत उत्तर प्रदेश से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, 350 किलोमीटर का सफर था और बाय रोड जाना था। जा रहे थे तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी के आगे आगे एक ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे भी कुछ लोग लिखे रहते हैं कभी कुछ ना कुछ। तो ट्रक में मैंने देखा एक दोहा लिखा था बहुत मार्मिक, और हम उसको जीवन में के व्यवहार उतार लें तो बहुत सारा दुख हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारे 12 दूसरों को भी बड़ी प्रसन्नता और सुख मिलेगा। तो दोहा यह था, मैं लिखा था ट्रक के पीछे, गम यह नहीं कि मेरा भला ना हो, पर मेरी तमन्ना है कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। बस इस बात का अंदाज में लिखने वाला कहता है गम यह नहीं कि मेरा भला, मेरी भलाई नहीं हुई तो नहीं हुई कोई बात नहीं, पर मेरी इच्छा यह है कि जिंदगी भर मेरे द्वारा किसी की बुराई ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बस एक काम हम लोग कर लें, इससे बड़ा भजन, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी साधना और क्या हो। तो ये भले वो ट्रक के पीछे लिखा था ये दोहा, लेकिन किसी वेद वाक्य से कम थोड़े। तो ऐसे जो वाक्य हैं जो हमें सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं, जो हमें दुर्गुणों से सद्गुण की तरफ प्रेरित करते हैं, जो हमें बंधन से कल्याण की तरफ प्रेरित करते हैं, जो निचाई से ऊंचाई की तरफ प्रेरित करते हैं, ऐसे सारे के सारे वचन सद्गुरु के वचन हैं। और बोध वैराग्यवान जो सद्गुरु हैं उनकी बातों का तो कहना ही क्या, उनकी तो एक एक बात हमारे लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए सद्गुरु कबीर पहली बात हमें कहते हैं, यदि आत्मकल्याण करना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, अपने बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला काम यह करो कि सद्गुरु वचन सुनो, सद्गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनो और सुन करके धारण करो। क्यों सुन लिए और धारण न करें? ज्ञान की जो बातें होती हैं वे केवल कहने और सुनने के लिए नहीं होती है, किंतु आचरण करने के लिए होती है। हम ज्ञान की बहुत बातें जानते हैं, बहुत पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं और आचरण न करें, याद तो कर लें आचरण न करें तो काम थोड़े बनेगा। सब के सब केवल कहते जाएं कहते जाएं कहते जाएं और आचरण कोई ना करें तो लाभ क्या होगा। हम मान लेते हैं कि हम तो ज्ञान की बातें बहुत सुन लिए हैं, सद्ग्रंथ पढ़ लिए हैं, सत्संग कर लिए हैं, हम बहुत सारी बातें जानते हैं, बस हमारा काम बन गया। काम इससे नहीं बनेगा, काम बनेगा आचरण करने से। और खाली सब कहते जाए कोई ना माने तो क्या फायदा होता है। एक उदाहरण याद आता है, कहते हम लोग केवल कथकली ज्ञानी बन गए हैं, जैसे सुगा को भी पढ़ाओ ना,
सुग्गा भी राम राम कह लेता है, हरि कह लेता है, गुरु कह लेता है, पहले से कि सुग्गा जानता भी नहीं क्या है। सुग्गा राम राम कहे तो सुग्गा कल्याण थोड़े हो जाएगा, वो तो जानता ही नहीं कि सुग्गा राम का महत्व क्या होता है। तो हम लोग भी यदि केवल कहते जाए, आग्रह न करे, कोई न माने, तो फायदा क्या है? एक उदाहरण याद आता है, उदाहरण बहुत बुरा कहो। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की बात बताता हूं, और मेरे अनुभव को, मेरी सीख को तुम मान लोगे ना तो जिंदगी भर सुखी रहोगे। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए पूज्य हैं, आपकी एक एक बात जो भारी है, एक एक आज्ञा मानने योग्य है, आप बताएं कि आपकी सीख क्या है, आपका अनुभव क्या है। तो पिता ने पुत्र से कहा, बेटा मेरा अनुभव यह है कि जिंदगी में शादी करके मैंने भयंकर गलती की है, और तुम्हारे लिए मैं यही सीख देता हूं कि तुम यदि जीवन सुखी रहना चाहते हो तो भूल करके शादी मत करना। लड़के ने कहा, पिताजी आपकी इस सीख को, आपकी शिक्षा को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, और अपने बेटे को भी ये बताऊंगा कि मैंने कभी जिंदगी शादी कभी मत करना। तो क्या मतलब हुआ भी? तो हम लोग भी ऐसे ही करते जा रहे हैं, सीख लिए और करते जा रहे हैं। तो ज्ञान की बात को हम उतारे ना, संतों का जो अनुभव है, गुरुजनों का जो अनुभव है, उन्होंने अपने जीवन में, अपने आप जीवन में जो साधना में तपाया है, और तपा करके उनके जीवन से जो रस इकट्ठा हुआ है, जो उन्हें उस रस हमें बता रहे हैं, तो उसका हम आदरण ना करेंगे तो हमारा कल्याण थोड़े हो सकता है। इसलिए सदगुरु की वाणी को सुने भी और सुन करके आदरण भी करें। साहब कहते क्या है, सुनो लेकिन आगे का काम क्या करना है, मत लीजिए सिर भार। अपने सिर पर मान्यताओं का बोझा लादो मत, हमें रास्ता चलना हो और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ हो, पतला रास्ता हो, पहाड़ी रास्ता हो, पतला रास्ता पतली से पगडंडी हो, और ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, पतली पगडंडी में जहां चढ़ाई है, सिर पर हम बोझा लिए हुए हो तो कितनी कठिनाई होगी, आसानी से रास्ता हम कैसे चल सकते हैं। और बोझा भी उतारते, कोई भार नहीं है सिर पर, हम हल्के हैं, तो कहीं भी हो रास्ता चलने बड़ी सरलता होती है। साहब ने तो कहा है, हरवे हरवे कर गए बुरा दिन सिर भार, इस संसार से पार कौन हुआ जो हल्के थे, जिनके सिर पर अहंकार का बोझा नहीं था, मान्यताओं का बोझा नहीं था, विषय वासनाओं का बोझा नहीं था, दुर्गुणों का बोझा नहीं था, भ्रम कल्पना भ्रांति का बोझा नहीं था, जो सब तरफ से निर्भार थे, वे लोग इस दुनिया से तर गए बुरा जीव सिर भार। किंतु जिनके सिर पर अहंकार का बोझा था, मान्यताओं का बोझा था, भ्रांतियों का, निस्वार्थ का बोझा था, दोष दुर्गुण दुराचरण का बोझा था, विषय वासनाओं का, विषय विकारों का बोझा था, इच्छा कामनाओं का बोझा था, ऐसे सब के सब लोग डूब गए। ये ज्ञान का अहंकार काम नहीं करेगा, विद्या का अहंकार काम नहीं करेगा, साधु होने का अहंकार भी काम नहीं करेगा। साधु होकर तो अहंकार की बात है, साधु को तो और अधिक विनम्र होना चाहिए। साधुता का मार्ग ही विनम्रता का मार्ग है, और साधु हो गए तो विनम्रता तो समाप्त, महा अहंकारी। तो साधुता और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अहंकारी आदमी को तो केवल ठोकर ही लगता है, और बुरता कौन है जिसके सिर पर अहंकार होता है। इसलिए कहीं भी किसी का भी अहंकार सिर पर न लादे, न धन का अहंकार, न पद का अहंकार, न विद्या का अहंकार,
न कुल जाति का अहंकार, न पूज्यता प्रतिष्ठा का अहंकार, न साधु होने का, वैराग्यवान होने का, ज्ञानी होने का अहंकार। अहंकार तो अहंकार, इनमें गुरुदेव जी का कहा करते हैं अहंकार केवल मूर्खता है। कितना बड़ा हम अपने को मानते हो, यदि हम किसी का अहंकार करते हैं तो हम केवल मूर्ख हैं, हमें ठोकर लगनी ही लगनी है। तो यहां कहा करते हैं मत लीजिए सिर भार, अपने सिर पर किसी प्रकार का कोई बोझा मत लादो। बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। क्या पले पले पर फिसलन है, जरा फंस चुके कि फिसल जाना होगा, इसलिए सावधानी पूर्वक चले। आदमी इतनी मान्यताओं को बोझा लाद लेता है, इतनी इतना बोझा लाद लेता है कि हम, और लादता कौन है, कोई दूसरा नहीं लादता है, स्वयं ही लादता है। लेकिन एक संत कह ही रहे थे कि लोग गधे पर बोझा लादते हैं, सामान ढोना होता है यहाँ तो वहां तक, गाड़ी नहीं जा सकती, ट्रक नहीं जा सकते, गली है, सड़क नहीं है, तो गधों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर बोझा लादते, फिर लोग सामान ढोते हैं।